मिराल प्रखंड मुख्यालय में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिराल प्रखंड कार्यालय में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए एक दिवसीय हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आजसू पार्टी के नेता एवं भारी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि राज्य में जब से झामुमो की सरकार बनी है, तब से भ्रष्टाचार चरण सीमा पर है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पैसा लेकर ब्लॉक जाते हैं, उनका सबसे पहले काम होता है, और जिनके पास पैसा नहीं होता, वो ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते उनका चप्पल घिस जाता है, फिर भी उनका काम नहीं होता। आजसू पार्टी ने यह आह्वान किया है कि राज्य के 260 ब्लॉक और 51 नगर इकाई में आजसू पार्टी ने 26 जून से 6 जुलाई तक हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से प्रखंड के सभी पदाधिकारी को चेतावनी देने का कार्य कर रहे हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम का संचालन चंपा देवी ने किया। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में उपस्थित रविंद्रनाथ ठाकुर, राजन कुमार, रवि विकास चंद्रवंशी, कुंदन चंद्रवंशी, त्रिपुरारी सिंह, रीता देवी, संगीता देवी, त्यागराज आदि शामिल थे। राजकुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागण को हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज दूसरा दिन कार्यक्रम का है। पूरे राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार का ग्राफ इस सरकार में बढ़ा है, व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आजसू पार्टी